दिल्ली टेस्ट के दौरान अब तक तो सिर्फ श्रीलंका के खिलाड़ियों की तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन अब इसकी चपेट में टीम इंडिया के खिलाड़ी भी आने शुरू हो गए हैं। खेल के चौथे दिन आखिरी सेशन में मोहम्मद शमी की भी तबीयत खराब हो गई और वो छठे ओवर में मैदान पर ही उल्टियां करते दिखाई दिए। छठे ओवर में विकेट लेने के बाद शिखर धवन अपनी छाती पकड़कर बैठ गए और उन्हें उल्टियां होने लग। शमी की तबीयत खराब होने के बाद मैदान पर मेडिकल किट लाई गई, लेकिन उनकी तबीयत में सुधार ना होते देख उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया। इससे पहले टीम इंडिया के ओपनर मुरली विजय का एक वीडियो भी ट्विटर पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वो इसकी शिकायत विराट कोहली से कर रहे हैं। मुरली विजय को प्रदूषण के चलते दिक्कत खेल के तीसरे दिन हुई। उस दौरान टीम इंडिया फील्डिंग कर रहे थी और मुरली विजय इशारों में विराट कोहली को अपने असहज होने की बात बता रहे थे। दिल्ली टेस्ट मैच के दूसरे दिन की तरह खेल के चौथे दिन भी प्रदूषण की मार श्रीलंकाई खिलाड़ियों पर दिखाई दी। श्रीलंकाई खिलाड़ी खेल के चौथे दिन एक बार फिर मास्क लगाकर मैदान पर फील्डिंग करते नजर आए। खराब प्रदूषण स्तर के चलते श्रीलंकाई तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल को तो उल्टियां होने लगी और उन्हें मैदान छोड़कर पवेलियन लौटना पड़ा। श्रीलंकाई खिलाड़ी चौथे दिन एक बार फिर मैदान पर मास्क लगाकर फील्डिंग करते हुए नजर आए। इस बीच तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल दूसरी पारी में अपना तीसरा ओवर फेंकने के बाद ही उल्टी करने लगे और उन्हें मैदान छोड़कर पवेलियन लौटना पड़ा। खेल के दूसरे दिन भी श्रीलंकाई खिलाड़ियों को प्रदूषण की वजह से दिक्कत हुई और खेल को तीन बार रोकना पड़ा था।